हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको फाइन आर्ट के बारे में कुछ नॉलेज दे रहा हूँ। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि कोई भी पेज कोई भी मान लीजिए A4, A2, A1 साइज कोई भी पेज का है, तो उसके ऊपर ड्रॉ करने से पहले आपको नेगेटिव स्पेस जो होता है उसका ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर आपको कोई फिगर ड्रॉ करना है और वो फिगर मान लीजिए एप्पल है, तो एप्पल देखिए यदि मैं इस कॉर्नर में एप्पल बना दू तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। क्या मैं यहाँ बना दू अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो कहा ये मतलब देखिए बिल्कुल इसकी जो पोजिशन जहां भी होती है वहीं पे ही मतलब ये क्या करता है सही लगता है। तो जब भी आप बनाते हैं तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस देखिए, ठीक है। तो जब तक नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस नहीं देखेंगे ना आप, तो तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो इसका जो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो जो बिल्कुल चारों तरफ जैसे फोटोग्राफी की जाती है उसके अंदर लेफ्ट राइट में इक्वल स्पेस होना चाहिए, ऊपर नीचे इक्वल स्पेस होना चाहिए। तो इसमें किसी भी पेज पे दो टाइप के होते हैं, नंबर वन पे पॉजिटिव स्पेस और नंबर टू पे होता है स्टूडेंट्स नेगेटिव स्पेस। तो पॉजिटिव स्पेस कौन सा होता है जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं, और नेगेटिव स्पेस कौन सा होता है जिस पर हम कोई वर्किंग नहीं कर रहे हैं, जिसको हम इनडायरेक्टली यदि मैं बताऊं तो बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बैकग्राउंड कह सकते हैं। ये तो था हमारा किसी भी पेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब इसके हम जैसे हल्की लाइन लगाकर और ये देख सकते हैं कि बिल्कुल लेफ्ट में तो ज्यादा नहीं है, राइट में तो ज्यादा नहीं है जो फिगर हमें ड्रॉ करना है। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स पेंसिल्स। पेंसिल्स भी हमारी थ्री टाइप्स की यूज करेंगे, ठीक है। कितने टाइप की? थ्री टाइप्स। नंबर वन H, नंबर टू HB, नंबर थ्री 2B। तो H जो पेंसिल होती है वो क्या काम करती है? एच जो पेंसिल होती है वो हमारा जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम जो बना रहे हैं अपने पास से वो किया जाता है। जैसे लाइट, बिल्कुल लाइट जो लाइंस होती है वो यदि आपको ड्रॉ करनी है ना तो ये हमारी एच पेंसिल से की जाती है, ठीक है। इसके बाद आपकी एच बी के अंदर हमारा जो भी इसके अंदर हमें मान लीजिए कि जो वर्क किया है वो फाइनल करना है तो एच बी से आप उसको फाइनल करेंगे, इससे थोड़ा डार्क होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो काम होता है वो हमारा इसके अंदर ये 2B जो पेंसिल है इसे आंसर ड्रॉ किया जाता है। क्या किया जाता है? आंसर ड्रॉ किया जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा है कि एफ से हमने लाइन ड्रॉ की, और जो कंस्ट्रक्शन यानी आर्क भी जो लगा रहे ना यहां पर हमने प्रकार जो अपना रखा और जो आर्क और ड्रॉ की मोर देन हाफ होंगे। सिमिलरली यहां पर ये हमारा क्या है? आंसर है क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसको हम 2B से क्या करेंगे? डार्क कर देंगे स्टूडेंट्स। क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो पेंसिल्स हैं उनका यूज भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूं लाइन्स के बारे में स्टूडेंट्स। लाइन्स लाइन्स तो लाइंस के जो टाइप है वो बता रहा हूं। सबसे पहले व्हाट इज है लाइन? यू नो वेरी वेल अबाउट लाइन बिकॉज लाइन इज ए कॉमन इन फाइन आर्ट एंड मैथमेटिक्स। तो ब्रेथलेस लेंथ इज कॉल्ड लाइन। क्या? ब्रेथलेस लेंथ इज कॉल्ड लाइन। तो अभी जो लाइन है इसकी डेफिनेशन आपको पता लग गई है। अब लाइट देखिए जो लाइन्स होती है ना उसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती हमारी। मैंने कोई भी ये चला दिया है ना ये भी एक लाइन है स्टूडेंट, ये भी क्या है एक लाइन है। तो जो ड्राइंग के अंदर जो हमारी लाइन यूज की जाएगी ना पेंटिंग के अंदर, तो जो ये लाइन है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। कौन सी? हॉरिजॉन्टल लाइन। अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट नंबर टू पे जो है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो होती है वो हमारी स्टैंडिंग लाइन होती है। कौन सी होती है? स्टैंडिंग लाइन जो होती है वो वर्टिकल लाइन भी कहलाती है। नंबर थ्री
नंबर थ्री पे होती है डायगोनल वाली लाइन, डायगोनल लाइन टेढ़ी होती है स्टूडेंट्स, कैसी होती है टेढ़ी होती है। इसके बाद जैसे हमारी बात करते हैं स्पाइरल लाइन, ठीक है, जिगजैग लाइन, तो ये मैं आपके पास इनके नोट्स भेज दूंगा जितने भी टाइप की लाइंस होती है। तो इनका यूज इसलिए किया जाता है जैसे कि डायगोनल लाइंस है या वर्टिकली लाइंस, जब आप कोई भी पिक्चर बनाते हैं ना तो उसके अंदर स्टूडेंट्स हमें प्रोस्पेक्टिव का ध्यान रखना पड़ता है। किसका? प्रोस्पेक्टिव का। प्रोस्पेक्टिव का ध्यान कैसे रखा जाएगा? प्रोस्पेक्टिव का ध्यान रखा जाएगा कि आपने कोई पिक्चर ड्रॉ की ना तो उसके अंदर आपको जो चीजें नजदीक दिखानी है ना वो एक्चुअल में नजदीक ही दिखाई देनी चाहिए, और जो आप दूर दिखाना चाहते हैं ना वो दूर ही दिखाई देनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो इसके अंदर, फिर बात मैं करता हूं कलर्स की। कलर्स भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन प्राइमरी कलर होते हैं। प्राइमरी कितने कलर होते हैं? थ्री। प्राइमरी थ्री कलर्स होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे कौन से होते हैं? बहुत ही अच्छा आंसर दिया सुनीना ने, ये हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं स्टूडेंट्स। फिर हमारे होते हैं सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर्स के अंदर जो होते हैं वो कौन से आएंगे? इनको आपस में मिला मिलाकर कोई भी कलर जो बनाए जाते हैं ना वो हमारे क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी कलर कहलाते हैं। कौन से? सेकेंडरी कलर होते हैं। फिर नंबर थर्टी कलर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जिसके अंदर आपके प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों मिलने से जो बनेंगे ना वो कलर होते हैं हमारे, ठीक है, थर्टी कलर। तो इसके अंदर अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन कलर्स का भी यूज अलग अलग किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल येलो का यूज है, येलो का जितने भी आपके है ना, जैसे गोल्ड से रिलेटेड जो भी आप मतलब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कोई भी चमक वाली चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे कोई भी फसल है और पकती हुई नजर आ रही है या सूर्य की रोशनी है, वो सारी आप जैसे येलो से आप क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ठीक है। जो फिर इसके अलावा भी हमारे कलर्स जो होते हैं ना वो कोल्ड एंड हॉट कलर्स होते हैं। जैसे खतरे के लिए आप रेड कलर जो है उनका यूज करते हैं, ठंडे कलर जो होते हैं, कोल्ड कलर जो होते हैं उनके अंदर आपका जैसे कि आप ग्रीन कलर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि कोई भी फ्रूट ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, कोई भी फ्रूट ड्रॉ करना है, सबसे पहले आप जो चीज ड्रॉ करना चाहते हैं ना उसकी इमेज आपके माइंड में आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये क्या है, क्या बन गया? नथिंग, सर्कल। लेकिन अब कोई भी फ्रूट जो है ना वो इसके अंदर असल मतलब तसल्ली से बना जा सकता है, ठीक है। कोई भी मान लीजिए हम बात करते हैं सेब, ठीक है, एप्पल हम ड्रॉ करना चाहते हैं, बीच में एक लाइन ड्रॉ की, ओके। इसके बाद आपने बिल्कुल थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा किया यहां से, ये थोड़ा आगे ले जाइए, ये हो जाएगा। यहां से एक पत्ती भी आप इसके अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है। ये अभी तक हमारी एप्पल नहीं हुई है तैयार, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर यहां से भी ये जैसे कि देखिए, या आप मतलब एप्पल के तौर पे मतलब, तो इसको और भी थोड़ी सेप क्योंकि नीचे से डाउनलोड किया है तो आप इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। ये तो आपको पता लग जाएगा, मीन्स मैंने आपको बताया है कि किसी भी चीज को ड्रॉ करने से पहले आप उसका थोड़ा सा आइडिया देंगे। जब आप सर्कल बना के बनाएंगे ना तो आपको जोर कम आएगा बनाने में, अंडरस्टैंड। इसके बाद जैसे मुझे इसमें आप ये बताएंगे ये क्या है जो मैं बना रहा हूं, ये आपको क्या नजर आ रहा है?
तो इसके अंदर मतलब थोड़ा सा शेप का ही ध्यान रखना होता है। जैसे अब ये है, केवल हल्का सा ट्रन कर दिया, क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट, क्या नजर आ रहा है इसमें, गुड जबरदस्त। यानी कि देखिए मैं क्या सर्कल्स हैं उन्हीं को ड्रॉ कर रहा हूं ना, एक हल्की सी आर्क हमारी लेफ्ट राइट तो जा रही है ना, उसी से आप आइडिया लगा रहे हैं कि ये हमारे क्या बनते जा रहे हैं। मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया, घर में छोटे बच्चे हैं, बोल देते हैं कि हमारी नोटबुक में हमें एक मक्खी ड्रॉ करनी नहीं आती है, तो कैसे ड्रॉ कराएंगे आप, मक्खी के लिए लगा लीजिए आप। देखिए आपके पास थोड़ा सा एक अनुभव होना चाहिए, या आपने किया, फिर थोड़ी सी शेप आपको जरूर बताओ ना चीज की, भाई मक्खी की शेप कैसी होती है। जैसे कोई भी आपको मतलब जैसे, तो इसके अंदर मतलब जैसे जब आपकी कोई आपको शेप जाने ना, तो आप उसको मतलब मक्खी के तौर पे आप जैसे कोई भी चीज है हल्की सी उसकी शेप आप मतलब ड्रॉ करें, तो यानी कि हमें एग्जैक्ट नहीं बना रहे हम, उसका जनरल मतलब वो कर रहे हैं। तो ये जैसे अब इसके जैसे कुछ पैर से होते हैं ऐसे, बस ध्यान क्या रखना होता है, दोनों तरफ एक जैसी, अब ये शेप है मेरे पैरों की इधर वालों की, तो बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि हम यूं कहीं ना, हमें बनानी नहीं आती है, उससे ज्यादा अच्छी है ये, ठीक है। क्या आपको मक्खी लग रही है इसके अंदर बच्चे, बता सकते हैं आप, क्या ये आपको मक्खी नजर आ रही है? हाँ देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हाँ तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आपके आंसर बहुत ही बढ़िया कि भाई हम एक तो आपने बोल दिया, आपसे किसी ने बोल दिया मक्खी ड्रॉ करनी है, भैया बहन जी बनाइए एक बार, आप नहीं मुझे तो नहीं आती, आप एक सेफ ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया जाता है कि कोई हमें तितली बना के दिखा दीजिए, भाई एक ही चीज है सिंपल सी, तितली आप बना सकते हो, बिल्कुल वही मेथड रहेगा, ठीक है ना। और ये आपकी कहां से स्टार्ट हो जाएगी, ये यहां से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो भी है, फिर इसके अंदर आप और भी अपनी बनावट जैसे थोड़ी इंप्रूव कर सकते हैं, जहां से भी फिर आप कोई भी चीज जो बनाते हैं थोड़ा दूर से देख लीजिए, ठीक है। जब दूर से देखेंगे ना तो आपको कुछ कमी नजर आएगी, क्या नजर आएगी, कमी नजर आएगी, उस कमी को आप क्या है दुरुस्त करते जाए, आपका जो माइंड रहता है ना उसके मुताबिक आप कोई भी चीज क्या कर सकते हैं। मतलब आज का जो हमारा फाइन आर्ट का काम था वो कंप्लीट हुआ। किसी प्रकार की किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम या डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं।